दोस्तों, वैसे तो लखनऊ को एक ऐतिहासिक इमारतों का शहर भी कहा जाता है, तो यहाँ पे एक चीज़ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं कि ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं रौज़ा काज़मैन। और इसके अगर मैं थोड़ी और इसको हिस्ट्री में आपको बताना चाहूँगा कि ये 1800 ईस्वी में जो अवध के नवाब थे अमजद अली जी हैं, उनके शासनकाल में जैसे उनके सेनापति या जो दरोगा होते हैं तो उनका उनके ही सेना में जो काम करते थे उनका नाम था जगन्नाथ अग्रवाल जी, तो उन्होंने इस गुंबद को बनाया था, यानी इस पूरा जो काज़मैन को उन्होंने बनाया था। ये हुए जो आपको दिखा दूँ, ये जो गुंबद है ये दोनों, ये इस टाइम पीतल की है लेकिन ये 1800 ईस्वी में इसको ये सोने की थी। और उस टाइम पे जब 1800 ईस्वी में जब गदर हुई थी तो उस टाइम पे जो यहाँ पे अंग्रेज़ों का भी शासनकाल चल रहा था तो उस टाइम पे जितने अंग्रेज़ थे उन्होंने इसके सोने को इस पूरे उस टाइम पे जो गुंबद है सोने की बनी थी, इसके सोने को लूट लिया था। तो खैर अब तो खैर ये पीतल की है, तो इसकी काफ़ी हिस्ट्री आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप देख लेंगे कि कैसे इसकी ये बना और किसके काल में बना, इसका पूरी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी आपको। तो इस काज़मैन की मैं आपको बैक साइड पे ले चलता हूँ। हालांकि जब ये रौज़ा बना तो उस टाइम पे ये जो बैक साइड जैसे मैं बोल रहा हूँ ये पहले फ्रंट हुआ करता था, क्योंकि जितने भी यहाँ पे रौज़े बनते थे तो पहले वहाँ पे रौज़े के आगे हौज होते थे, पानी के हौज, और खजूर के दो पेड़ लगे होते थे पहले यहाँ पे। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ आपको। तो फिलहाल दोस्तों ये असल में जिसको मैं बैक बोल रहा हूँ, ये बैक साइड पे ये आपको दिखा दूँ, ये गुंबद है और इसका ये फ्रंट, क्योंकि आगे ये हौज हुआ करता था पहले, हौज अभी भी है। और यहाँ पे स्टैम्प यहाँ पे देख रहे हैं ये पेड़ कट गया है यहाँ पे, ये और ये पेड़ यहाँ पे कट गया है, और ये खजूर का पेड़, खैर ये है जो पेड़ के बीच में छुप गया है। तो पुराने जो रौज़े यहाँ पे बनते थे तो उनकी पहचान ये होती थी, जितने भी रौज़े दातर हैं यहाँ पे पहले उनके आगे फ्रंट वो होता था, पहले उनके आगे हौज होता था और वहीं थी आजू बाजू में दो खजूर के पेड़ हुआ करते थे होते थे, तो ये उसका उस टाइम पे फ्रंट हुआ करता, जो कि अब की बैक बन गया है। तो अभी मैंने आपको यहाँ का बैक दिखाया जो कि किसी टाइम पे यहाँ का ये फ्रंट हुआ करता था, फ्रंट दरवाज़ा। अब मैं आपको दिखाऊँ जो इस टाइम का फ्रंट है, मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया फ्रंट और बैक में, तो मैं अब आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, वो जगह जो इस टाइम पे मौजूदा हालात में अब फ्रंट का गेट बना दिया गया है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं ये सामने वाला जो दरवाज़ा, ये रोड आ रहा है, ये यहाँ का फ्रंट हिस्सा है, जो का जब ये रौज़ा यहाँ बना था तो उस टाइम पे ये बैक हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब सामने से रोड चली गई है, ज़्यादातर लोगों का मैक्सिमम लोगों का आना इधर ही से होता है, तो ये जगह अब फ्रंट के लिए ही यूज़ की जाती है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ का एंट्रेंस है अंदर जाने का, अंदर रौज़ा है सातवें इमाम नवे इमाम का, तो ये अंदर जाने का मेन दरवाज़ा है अंदर रौज़े का। और दोस्तों इस गुंबद की मैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको बताऊं इस गुंबद की, कि ये तो खैर एक मैं चमत्कार मानता हूं कि कभी जब प्रोग्राम कोई यहां पे कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है तो यहां पे ऊपर गुंबद में लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं ताकि थोड़ा ये अच्छा दिखे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि जो आप ऊपर कितना ऊपर गुंबद जो देख रहे हैं यहाँ पर ये तो इसमें जब कभी अक्सर हुआ जो लोग लाइट लगाते हैं तो एक आध बार वो फिसले भी हैं यहाँ से, वो गिरे भी नीचे, लेकिन यकीन मानिए उनको ज़रा सी भी चोट नहीं आई, इतने ऊपर गिरने के बाद से ज़रा सी भी चोट नहीं आई, हड्डी टूटना दूर की बात है, ज़रा सी भी चोट नहीं आई, ऐसे मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो गाइस इस वक्त हम लोग घर पे वापस आ गए हैं और आपको मैं बताता चलूँ कि अभी यहाँ से थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे अपनी शूट की तरफ, जहाँ हम लोग जा रहे हैं कुलुक रेस्टोरेंट में, वहाँ हम लोग का शूट है, जो कि जैसे मैंने दो तीन बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी चैनल मेरा वो फिर से एक्टिव होने वाला है। और फिलहाल घर पे आया था, थोड़ा सा मैं सोचा कि चाय पी लूँ और चाय मैं आपको दिखाऊं। चाय ये है तुलसी अली चाय डिब वाली, तो ये ब्लैक टी है तुलसी वाली, तो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि सर्दी के हिसाब से काफ़ी अच्छी चाय रहती है ये, तो तुलसी वाली चाय मैं पीना प्रेफर करता हूँ अपना खुद का। बस चाय को मैं फिनिश करने बाद मैं सीधे आपको मिलूँगा कुलुक रेस्टोरेंट में और आगे की वीडियो वहीं मैं शूट करूँगा। तो दोस्तों
दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हम लोग ब्रुक चिकन में आए हैं, जो कि चौक में कामाख्या नर्सिंग होम के सामने है। और जैसे कि मैं आपको पीछे का इसमें व्यू दिखा दूं, थोड़ा ये व्यू है यहाँ का। और अभी ये मुश्किल से 7-8 दिन पहले ही यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है, तो इससे थोड़ा अभी रश कम है यहाँ पे, तो हम लोग को एक मौका मिल गया यहाँ पे ब्लॉग शूट करने का। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ शूटिंग चल रही है, जो कि हमारे आप वीडियो पूरी इसकी पूरी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे जो मेन चैनल है फूड का, शबी अब्बास के नाम से जो है, उस पर आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी कुछ शूट इस हमारे किचन के अंदर के चल रहा है, बाकी अभी ये यहाँ का पूरा इंटीरियर इस टाइप से है, यहाँ पे दिखा दूँ ये है। और ये लखनऊ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, ब्रुक चिकन जिसके नाम से ये जाना जाता है यहाँ पे। तो अगर आपको आना हो तो एक बार विजिट ज़रूर करें, यहाँ का टेस्ट ज़रूर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत जायकेदार चीज़ें यहाँ की लगेंगी, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आपको। आपने इंटीरियर दिखाया और मैंने इंटीरियर दिखा दी, ये हमारे छोटे भाई हैं, इससे पहले वीडियो में आप इसको देख चुके हैं। और यूँ कहूँ कि इस बार ये इनका लॉन्च हो रहा है, मेरे वो जो पुराना वाला जो है फूड चैनल, तो अब की इनका भाई थोड़ा स्पीच इनकी भी आएगी। तो जब तक अंदर हम लोग का शूट हो रहा, तो मैंने सोचा आपको भी यहाँ का थोड़ा बहुत अपने इस वाले ब्लॉग में कुछ शूट करके दिखा दूँ। एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा इंटीरियर यहाँ का, ये देखिए